अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई मंडी के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के स्थायी भवन का निर्माण करवाने की मांग की। साथ ही मूलभूत सुविधाओं की मांगों और केंद्रीय विश्वविद्यालय को 2 मार्च तक बंद किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद DC ऑफिस के बाहर जो है धरना प्रदर्शन कर रही है, और इसका कारण सिर्फ एक ही है, जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है धर्मशाला यूनिवर्सिटी, वो उस परिसर में जो है पिछले 11 वर्ष जो है निर्माण नहीं हुआ है। अर्थात जो वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो कक्षाएं लग रही हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो 3 जगहों में जो है डिवाइड हुए हैं। तो विद्यार्थी परिषद जो है पिछले 22 तारीख को जब उन्होंने धरना प्रदर्शन करा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो है हमें स्थायी परिसर चाहिए, जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो एक जगह होने चाहिए, तो वहाँ अगर कुलपति तथा रजिस्ट्रार ने जो है नोटिफिकेशन निकाल दी कि कल से जो है हमारी जो क्लस्टर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो बंद रहेगी। और तथा विद्यार्थी परिषद के इस आंदोलन के कारण उन्होंने जो है एक शिक्षा का जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको जो है बंद कर दिया गया। तो विद्यार्थी परिषद हर एक जिला से और हर एक इकाई से जो है इस मंच के माध्यम से, इस धरने के माध्यम से बताना चाहती है कि जो वो अपना मनमानी जो है रजिस्ट्रार और वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं जो वो कर रहे हैं, वो इस चीज़ से वाकिफ नहीं है कि जो विद्यार्थी परिषद है वो इसका उग्र आंदोलन जो है भविष्य में करेगी।